हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय ट्यूब चैनल एआर हेल्थ केयर। आई एम डॉक्टर मोइन। तो फ्रेंड, आज हम बात करने जा रहे हैं जापानी एफ कैप्सूल की। क्या इसके फ़ायदे होते हैं, क्या इसके नुकसान होते हैं, किस कंडीशन लेना, कब नहीं लेना, इस बारे में विस्तार से करेंगे जानकारी। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ें, मेरी गुजारिश आपसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, घंटी के बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब बात कर लेते हैं जापानी एफ कैप्सूल की। ये जो है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा कैप्सूल है जो महिलाओं के लिए बनाया गया है। ये हर मेडिकल स्टोर पर बहुत आसानी के साथ 250 या फिर 300 रुपए में आपको हर मेडिकल स्टोर पर 10 कैप्सूल मिल जाएंगे। अब जान लेते हैं इसके यूज। इसका इस्तेमाल जब कराया जाता है, जब किसी महिला में सेक्सुअल हार्मोन्स कम हो चुके हैं, स्टेमिना की कमी हो चुकी है, या फिर उनका सेक्स करने में रुचि नहीं होती, अपने पार्टनर से नहीं मिल पाती हैं, अपने रिलेशन कायम नहीं कर पाती हैं, अपने पार्टनर से रिलेशन बनाने से मना कर देती हैं, या फिर उखड़े चिड़चिड़ापन रहता है, ये इन सब बीमारियों को दूर करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। ये नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है और जो सेक्सुअल हार्मोन्स कम हो चुके हैं उन्हें बढ़ाने का काम भी करता है। ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे कैप्सूल है। अगर कोई महिला वो जो है सेक्स करने में उसे रुचि नहीं है, उत्तेजना कमी है, कमज़ोरी वीकनेस रहती है, तो ये जो है कमज़ोरी वीकनेस को भी दूर करता है, या फिर दिन भर थकावट चक्कर रहते हैं, किसी काम में मन नहीं लगता है, बीपी लो रहता है, इन सब बीमारियों को दूर करने के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा कैप्सूल है। सेक्स हार्मोन्स को बढ़ाकर स्टेमिना को बढ़ाता है, नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है और यह है महिला इससे जल्दी उत्तेजित हो जाती हैं और अपने पार्टनर से सही से रिलेशन बना सकती हैं। इसमें जो है अकरकरा, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, कौंच के बीज, ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं जो पूरी तरीके से हर्बल है, इसलिए इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अब जान लेते हैं इसके डोजेस। इसे जो है एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम, गुनगुने पानी से या गुनगुने दूध से कम 2 से 3 महीने तक लेना है। तब देखेंगे इसके ज़बरदस्त स्टेमिना और जोश को बढ़ाएगा, सेक्सुअल हार्मोन्स को बढ़ाएगा, नर्वस सिस्टम को मजबूत करेगा। सावधानी रखें तो वो जो है महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं वो इसका इस्तेमाल ना करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, घंटी बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो।